फ्रेंड शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाना बताने जा रही हूँ। जिसके लिए देखिए, मैंने ये 5 मीडियम साइज के आलू काट लिए हैं मोटे मोटे, 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च मैंने बड़ी बड़ी काट ली है और 1 गोभी काट लिया है मैंने, और मैं 100 ग्राम लगभग हरी मटर लूँगी। तो सबसे पहले देखिए, और जो मैं तैयारी करूँगी आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले मैंने ये कुकर रख लिया है। कुकर में हम 1 टीस्पून के लगभग तेल डालेंगे और 1 टीस्पून बटर डालेंगे। पहले तेल और बटर एक साथ डालेंगे ताकि हमारा बटर जले नहीं। इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। तेल को आधा ही गरम करेंगे और बटर को बहुत ज़्यादा हम इसमें धुआं आने तक नहीं गरम करेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसको मसाले को पकने देंगे। 1/2 छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, इसलिए तेल गरम हमने नहीं किया है ज़्यादा, ताकि हमारा मसाला जले नहीं बिल्कुल। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। सबसे पहले हम आलू डालेंगे और मटर भी हम आलू के साथ ही डाल देंगे। हमने लगभग 100 ग्राम मटर ली है, मैंने ये फ्रेश मटर ली है। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए आलू और मटर को हमें पकाना है। ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पक गया है। अब हम इसमें अपना गाजर, शिमला मिर्च और मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली ही चॉप किए हैं, इसको भी इसी में डाल दिया है। ये गोभी लगभग 200 ग्राम गोभी थी, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने सारी चीज़ें इसलिए रफली चॉप की हैं क्योंकि अभी हमें इसको बाद में ये प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी लगानी, फिर हमें इसे मैश कर देना है। तो रफली आप करेंगे तो भी ये पक जाएगा। चलिए हम इसे 2-3 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। फ्रेंड ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। अब हम इसमें लगभग 100 ml पानी डाल के और इसको 3 सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे। तब तक हम और अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए हम इस पर ढक्कन लगा के इसको 3 से 4 सीटी स्लो फ्लेम पर पकने दीजिए। फ्रेंड जब तक हमारी सब्जियां उबल रही हैं तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 5 टमाटर लिए हैं, इनको हमें बारीक चॉप कर लेना है। ये सारी चीज़ें हमें बारीक चॉप करनी है। मैंने ये देखिए 8 से 10 प्याज ली है, ये मीडियम साइज़ की है। अगर आपके पास बड़ी है तो आप 6 ले सकते हैं। इसको भी हमें बारीक चॉप करना है। मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी सारी चीज़ें, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से ही बारीक चॉप कर लीजिए। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 5 से 6 कलियां लहसुन की। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा तो मैं पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर में, नहीं तो रेडीमेड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए 1 शिमला मिर्च है, इसको भी मैं बारीक काटूँगी। गलती से मैंने इसको बड़ा बड़ा काट दिया था, लेकिन मैं अभी इसको बारीक कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें पहले हम काट लेते हैं तड़के के लिए। तब तक हमारी सब्जी उबल रही है। फ्रेंड हमारी सब्जियां उबल गई हैं पाव भाजी के लिए। अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें तेल ले लूँगी मैं, और 1 टेबल स्पून ही घी और डालना है मुझे, सॉरी घी नहीं बटर। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा बटर और घी गर्म हो गया है। हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये देखिए बारीक कटी हुई प्याज मैं थोड़ी बचा के रखूंगी क्योंकि ऊपर से भी हमें प्याज डालनी होती है जब हम सर्विंग करते हैं, और हमें प्याज को भी 15 से 20 सेकंड भूनना है। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये देखिए 15 से 20 सेकंड हो गए हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए प्याज, तब तक हमें इसको भूनना है। ये देखिए फ्रेंड हमारा प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। इसमें हम अपना जो हमने टमाटर ग्रेट करके डाला था उसको हम ग्रेट किया हुआ था उसको हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ अब हम इसमें नमक भी डालेंगे। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, सब्जी जो मैंने उबाली थी उसमें भी नमक नहीं डाला था। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। और इसमें मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डालूँगी ताकि कलर अच्छा है, और पाव भाजी मसाला भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा इसको भून जाने के बाद। तो इसको हम लगभग 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे इस मसाले को। फ्रेंड जब तक हमारे मसाला भून रहा है, ये जो सब्जियां उबली हुई हैं जो हमने उबाली थी, इनको हमें अच्छे से मैश कर लेना है मैशर की हेल्प से। ये देखिए हमें बिल्कुल इसको अच्छे से गल गई हैं, तो मैश करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम इसको
मैश कर लेते हैं। मैंने इसमें कुछ मसाले पहले भी डाले हुए थे, इसलिए अब हम बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ इसको अच्छे से भूनेंगे और पाव भाजी मसाला यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें 2 टेबल, ये छोटा चम्मच है बिल्कुल, इससे मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है, 2 छोटे चम्मच के लगभग मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है। और मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाल दिया है। अब हमें मसाले को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है हमें मसाले को। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं, क्योंकि पाव भाजी मसाले में सारे मसाले होते हैं और मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए मैं इसमें अभी मिर्च नहीं डालूंगी। ये अपने आप में पूरा मसाला है पाव भाजी मसाला, और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ इसको भूनना है फ्रेंड। मसाला भून गया है, अब हम इसमें ये जो उबली हुई सब्जियों को मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और अब हमें इस सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके और भूनना है। ध्यान रखिएगा ये सब्जियां उछलती हैं, क्योंकि मैश हो गई हैं ज़्यादा, तो ये एकदम पतली हैं और फिर उछलना शुरू करती हैं जैसे ही ये कढ़ाई में जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा गले नहीं। अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से, और लास्ट में हम इसमें धनिया डालेंगे। फ्रेंड भाजी को बीच बीच में चलाते जरूर रहिएगा, नीचे से लग भी सकती है, और इसको हम चलाते हुए भूनते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको लगभग 20 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पे पकाया है और इसको अच्छे से भूना है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल सुखाना नहीं है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और नींबू निचोड़ देंगे। नींबू मैं 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ दूंगी, इससे इसका जो थोड़ा सा खट्टापन और अच्छा बढ़ जाएगा। 1 नींबू हमें इसमें निचोड़ देना है। मिक्स कर देते हैं हम, स्ट्रीट फूड जब तक खट्टा तीखा नहीं होता है तब तक टेस्टी नहीं लगता है। इसको मिक्स कर देंगे हम, और अब हम अपने पाव सेक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने तवा रख दिया है गैस पे, तवे को गर्म होने देते हैं और हम पाव को ये देखिए बीच से ऐसे काट लेंगे। अब हम तवा गर्म है, इसमें हम बटर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने बटर डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, इस पर हम थोड़ा सा जो हमने ये पाव भाजी भाजी बनाई थी वो डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इसको हम इसी बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसी पे सेकना है अपने पाव को। आपने जब खाया होगा बाहर देखा होगा, वो ऐसे ही करते हैं। अब हम पाव को अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से दबा दबा के। ये देखिए, अलट पलट के हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड हमारे पाव भी सिक गए हैं, भाजी भी तैयार है। चलिए मैं अब आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने प्लेट में भाजी ले ली है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे, और थोड़ी सी प्याज हम अलग से भी रख देंगे, किसी किसी को ज़्यादा प्याज पसंद होती है। 1 टुकड़ा नींबू का रख देंगे, जिसको खाना होगा वो अलग से डाल देगा। और अब हम इसमें पाव रख लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, सिके हुए हम पाव रख लेंगे, और हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड आपको मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड आपको अगर ज़्यादा लाल कलर चाहिए तो आप पाव भाजी मसाले में थोड़ा सा पाव भाजी जो की भाजी बनाते समय थोड़ा सा आप कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर हार्मफुल होता है। मार्केट वाले कलर भी यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा रेड होती है, तो आप ये मत करिएगा। आप घर में बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से बनाइए, कोई केमिकल यूज़ मत करिए। तो फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है पाव भाजी की, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।